इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। भारत के मुंबई में दूसरी कंट्री में नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवकों के साथ धोखाधड़ी करने वाले बंटी और बबली को इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उन्हें मुंबई पुलिस के हाथों कर दिया है। पूरे मामले में 350 करोड़ की धोखाधड़ी बेरोजगार युवकों से करने की बात सामने आ रही है, जिस पर अब मुंबई पुलिस पकड़े गए बंटी और बबली से पूछताछ में जुटी हुई है। दरअसल जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, इस तरह से बेरोजगार युवकों के साथ धोखाधड़ी भी बढ़ रही है। ऐसा ही एक ताजा मामला इंदौर का सामने आया है। अन्नपूर्णा ECP नंदिनी शर्मा द्वारा बताया गया कि मुंबई के APMC नवी मुंबई के पुलिस द्वारा संपर्क किया गया था। इसके बाद मुंबई पुलिस के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में फरार चल रहे एक महिला और एक पुरुष की तलाश की जा रही थी। जिन्हें पकड़ा है उनमें से जोसेफ नामक व्यक्ति द्वारा अपने सोशल मीडिया पर नॉर्थ ईस्ट की एक फोटो लगा रखी थी, जिसके कारण उसे तलाश करने में काफी समस्या आ रही थी। लेकिन तमाम साक्ष्य और सबूत के आधार पर उसे तलाश कर लिया गया और इसी के साथ उसकी सहकर्मी लीना नामक महिला को भी पकड़ा गया, जो कि उसी के साथ मैनेजर का काम करती थी और पूरे मैनेजमेंट का काम देखती थी। बताया जा रहा है कि उन्होंने नवी मुंबई में एक ऑफिस खोला था, जहां पर बेरोजगार युवकों को नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे काफी रुपए ठग लिए गए। ऐसे करीबन 300 युवकों द्वारा नवी मुंबई के थाने पर शिकायत की है। इस आधार पर मुंबई पुलिस उनकी तलाश करते हुए इंदौर पहुंची थी। बताया जा रहा है कि उन्होंने एक ऑफिस खोला था नवी मुंबई में और उसके बाद वहां से ऑफिस बंद करने के बाद वह फरार हो गए थे और इसके बाद से उनकी तलाश की जा रही थी। अब जब वह पकड़े जा चुके हैं तो उनसे पूछताछ में पता चला है कि वह अलग अलग युवकों को नौकरी दिलाने के नाम पर दूसरी कंट्री भेजने के नाम पर पैसे ठगते थे। हाल ही में पता चला है कि एक युवक को दूसरी कंट्री में कुक की नौकरी दिलाने के नाम पर 180,000 रुपए की मांग की गई थी, लेकिन उससे पहले ही यह पुलिस के हत्थे चढ़ गए और बंटी बबली द्वारा लोगों को नौकरी पर रखा गया था और उनसे दूसरी कंट्री में भेजने के नाम पर युवकों से संपर्क किया जाता था और चेन बनाई गई थी और फिर इस घटना को अंजाम दिया जाता था। इस पूरे गिरोह द्वारा करीबन 350 करोड़ की धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया है और इसकी जांच भी की जा रही है। इंदौर में फिलहाल किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है। यदि कोई शिकायत इंदौर से आती है तो उसकी भी जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी। ये मुंबई का APMC थाना था, थाना है, नवी मुंबई का थाना है, जिसमें आरोपी 420 के आरोपी थे। यहाँ पे ये गल्फ कंट्रीज़ में प्लेसमेंट के नाम पे फ्रॉड करते थे और लगभग ये जो मुंबई पुलिस जो आई थी अपने पास, उन्होंने उनके बताए अनुसार 350 करोड़ रुपए का ये लोग फ्रॉड कर चुके थे और कम से कम इसमें 180 आरोपी हैं, जो अभी इंदौर से ही पहले ही उनकी गिरफ्तारी जो हुई है। ये बिक्की जोसेफ है और ये लीना अरोड़ा, जो लीना अरोड़ा उनकी मैनेजर टाइप है जो मैनेज करती थी, और ये जो विक्की जोसेफ है इसने सोशल मीडिया पर अपनी नॉर्थ ईस्ट टाइप की फ़ोटो लगा रखी थी, तो उससे थोड़ा सा हमें ढूंढने में दिक्कत गई। किस तरह से फ्रॉड करते हैं? गल्फ कंट्रीज़ जो है ना, या एब्रॉड हुआ, उसमें जैसे कि उनको कुक की नीड होती है या पेट्रोल पंप पे काम करने की ज़रूरत होती है, तो ऐसे यहाँ पे इंडिया में वो कॉन्ट्रैक्ट कराते थे और कि वहाँ पे प्लेसमेंट कराने के नाम पे जो पेमेंट लेते हैं उसके माध्यम से। ये ये उनसे पूछताछ में जो मैंने पूछताछ की थी उसमें सामने आया था कि ये पहली बात तो जैसे जॉब प्लेसमेंट पर डिफरेंट प्लेसमेंट क्या डिफरेंट फीस थी। बाकी जैसे अभी मैंने बात की थी तो अभी एक उनको रिसेंट कुक का फ़ोन आ रहा था, तो वो जो कुक का 180,000 रुपये था। कब से कर रहे थे? और दूसरा है कि इसमें इंदौर के कितना फरियादी है? इंदौर के फरियादी तो अभी इसमें सामने नहीं आए हैं, ये मेनली इनका जो नेटवर्क था वो मुंबई में ही था। और कम से कम ऐसे 300 बच्चे थे जो मुंबई पुलिस में थाने में जाके पहुंचे कि ये लोग, इन्होंने जो इनका ऑफिस वगैरह था पहले, वो वहाँ की सारी पूरी टीम ही डिस्पर्स हो गई है। एक तरह से फर्जी कंसल्टेंसी के नाम पे सालों से और कितने लाखों या करोड़ों में ये ठगी कर चुके हैं? 3.5 करोड़ रुपए की लगभग कर चुके हैं।